मैं डॉक्टर आशीष श्रीवास्तव और ये है डॉक्टर मंगल गुप्ता। और आइए आज हम जानते हैं, अक्सर जब मरीज रूट कैनाल ट्रीटमेंट कराता है तो उसके मन में एक सवाल होता है कि रूट कैनाल ट्रीटमेंट होने के बाद उसके दांत में कौन सा मसाला भरा जाना चाहिए। वो कभी कहता है कि हमें चांदी भरवाना है या हम दांत के कलर का मसाला भरवाएं, या कभी कभी ये होता है कि हम कुछ ऐसे ही इसमें ऐसा टेम्परेरी मसाला डाल के ही इसको छोड़ दिया जाए। आखिर किस कंडीशन में कौन सा मसाला भरा जाना चाहिए और कब कौन सा मसाला ज़्यादा अच्छा होता है, आइए इसके बारे में जानते हैं हम डॉक्टर मंगल गुप्ता जी से। पहली बात तो जब मरीज का रूट कैनाल ट्रीटमेंट चल रहा है तो उसमें फिलिंग कौन सी फिल होनी चाहिए कि हमेशा डॉक्टर के ऊपर छोड़ देना चाहिए, डॉक्टर के ऊपर डिसाइड करना। पेशेंट अगर आप अपना रूट कैनाल ट्रीटमेंट करवा रहे हैं तो आप कभी डॉक्टर से ये एडवाइस मत उनको करिए कि हमें कच्चा भराना है कि पक्का भराना है, हमें चांदी भरानी है, दांत के कलर की भरानी है। आपके दांत के लिए जो बेस्ट होगा वो डॉक्टर भरेंगे। ऐसे फिलहाल कच्चा मसाला भर के आपका जब कभी कभी क्या मोस्टली केसेस में RCT मल्टी विजिट पे की जाती है, मतलब 3 बार 4 बार 5 बार डॉक्टर आपको अपॉइंटमेंट देते हैं, बार बार बुलाते हैं। हाँ, उन अपॉइंटमेंट के बीच डॉक्टर कच्चा मसाला जिसको टेम्परेरी फिलिंग कहते हैं वो भर के छोड़ते हैं ताकि बाहर से कोई चीज़ अंदर न जाए। और कच्चा इसलिए डाला जाता है टेम्परेरी कि डॉक्टर उसको ईजिली फिर से निकाल के दोबारा आपका क्लीनिंग का प्रोसेस को आगे बढ़ा सकें, है ना, इसलिए टेम्परेरी फिलिंग की जाती है। और परमानेंट फिलिंग में सिल्वर और GIC या कंपोजिट, 3 तरह की फिलिंग आजकल ट्रेंड में चल रही है, तो आपको डिसाइड करने की जरूरत नहीं है, डॉक्टर खुद ही फिल करते हैं जो बेस्ट होता है। हर केसेस में GIC नहीं चल सकता, हर जगह पे कंपोजिट की फिलिंग नहीं ठीक होती और हर जगह पे अमलगम की फिलिंग या जिनको चांदी कहते हैं वो बेस्ट नहीं होती, इसलिए डिसाइड आपके डॉक्टर को करना है कि कौन सी फिलिंग अच्छी रहेगी। हाँ, परमानेंट रेस्टोरेशन होता है तो वो जरूरी है, लेकिन क्राउन होते हैं, क्राउन आप डिसाइड कर सकते हैं। क्राउन आपको किस तरह का लगाना है ये मरीज अपने हिसाब से डिसाइड कर लेता है कि उसको एस्थेटिक पर्पस के अकॉर्डिंग लगाना है या उसको स्ट्रेंथ का लगाना है। कभी कभी क्राउन हमारे कॉस्टली भी होते हैं तो पेशेंट अपने अकॉर्डिंग जो क्राउन सजेस्ट करता है वो लगाया जा सकता है। और वैसे एंटीरियर है अगर आगे के दांतों में हो रही है तो उसमें एस्थेटिक भी देखना होता है, तो उसके लिए हम जैसे क्राउन सजेस्ट करते हैं तो वो दांत के ही कलर का सजेस्ट किया जाता है, बाकी पेशेंट के अकॉर्डिंग क्राउन को हम एडजस्ट कर लेते हैं कि हाँ वो जिस तरह चाहेगा उस तरह के क्राउन लग जाते हैं। क्राउन भी बेसिकली 2 तरह के होते हैं, वह दांत के कलर में रहेंगे, दूसरे जो दांत के कलर के नहीं होते, और बस इनमें फ़र्क ये होता है कि आपकी RCT हो तो दांत बहुत ब्रिटल हो जाते हैं, आपका बचा हुआ क्राउन पोर्शन वो ब्रेक हो जाता है अगर आप RCT हुई, और क्राउन लगाना बहुत ज़रूरत है। लेकिन अगर आप क्राउन नहीं लगवा रहे हैं तो बाद में क्या होता है, जब हम खाएंगे पिएंगे धीरे धीरे खाते खाते फोर्स पड़ता है तो हमारा जो रिमेनिंग स्ट्रक्चर है क्राउन वो ब्रेक हो जाता है, तो फिर हमारी RCT का कोई मतलब नहीं बचता अगर हमारा दांत का बचा हुआ क्राउन टूट जाए। तो फोर्स इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो, सिर्फ क्राउन का कोई एरिया ब्रेक ना हो जाए, किसी तरह से चिप होकर ना निकल जाए, इसलिए क्राउन लगाया जाता है। और क्राउन आप कोई भी लगवा सकते हैं, जैसे स्टील के कैप हो गए या PFM जिनको बोलते हैं दांत के कलर के होते हैं, और थोड़े से एडवांस मोनोलिथिया, जिरकोनिया, पोस्लिन, इन तरह के कैप आते हैं, आप कैप कोई भी करवा सकते हैं। लेकिन हाँ, RCT के बाद कैप ये कह सकते हैं कि बहुत जरूरी होता है, बिना क्राउन के RCT की सक्सेस को हम 0 मानते हैं, क्योंकि आपका थोड़ी RCT बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है, एक बार हो गया तो अब ये नहीं कह सकते कि ये 4 साल चलेगा, 2 साल चलेगा, 6 महीने चलेगा, ये आपका एक परमानेंट और बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है, आपका दांत बिल्कुल फ्रेश नए जैसा हो गया है, अब वो चलेगा ही चलेगा, तो क्राउन लगाना ज़रूरी होता है जिससे वो गड़बड़ ना हो। और कुछ रूट कैनाल ट्रीटमेंट होते समय हमारे पेशेंट के मन में क्वेश्चन होते हैं कि ये मल्टी विजिट प्रोसेस होता है तो हम जो क्लीनिंग का हम एक अपना वे बनाते हैं उसमें SS प्रिपरेशन करते हैं, उसको कभी कभी ये होता है कि इसमें कुछ खाना फंसेगा या क्या होगा, तो उसमें भी हम समय समय पे क्या क्या चीज़ें डालते हैं, उससे क्या कोई नुकसान तो नहीं, इसके बारे में भी हम जानते हैं डॉक्टर मंगल जी से। अगर इन्फेक्शन है कैनाल्स, आपको दांतों में इन्फेक्शन काफ़ी ज़्यादा हो रखा है, तो मेडिकामेंट की ड्रेसिंग दी जाती है, कुछ सोल्यूशन एंटीबायोटिक्स के डाले जाते हैं, या कभी हम पेस्ट फॉर्म में बना के कैनाल के अंदर प्लेस करते हैं डालने के लिए, तो वो सब आपके ट्रीटमेंट का ही पार्ट है। आप अगर अपना ट्रीटमेंट करा रहे हैं तो वो समझ नहीं सकते कि क्या क्या चीज़ें जा रही हैं, लेकिन हाँ ये है कि आपके ट्रीटमेंट का पार्ट होता है। अगर आपका टूथ
बहुत ज्यादा इन्फेक्टेड हो रखा है, अंदर पस बन गया था, मवाद बन गया था, तो ऐसे केसेस में रूट कैनाल कभी सिंगल विजिट में यानी कि एक बार में नहीं की जाती। इसके लिए हम 2 या 3 विजिट, कभी कभी 5 विजिट तक जाता है लेते हैं, और जो ये विजिट के बीच का गैप होता है हम कुछ सोल्यूशन एंटीबायोटिक फिल करके छोड़ते हैं, जैसे फिर अगली अपॉइंटमेंट 4 दिन के 5 दिन के बाद बुलाते हैं, फिर उनको चेंज करते हैं, फिर हम नई ड्रेसिंग डालते हैं जैसा अंदर आपका घाव फिल हो रहा हो उस हिसाब से, और हम ये प्रॉपर एक्सरे में करके आरबीजी से गाइड कर देखते रहते हैं कि कितना इम्प्रूवमेंट हो रहा है, उसी के हिसाब से आपका ट्रीटमेंट चलता है। और सिंगल विजिट रूट कैनाल नॉन इन्फेक्टेड केस में ही ज़्यादा होता है, या हमारे पास अगर उतनी टाइम है तो हम कभी कभी सिंगल विजिट में कर देते हैं, लेकिन यही है कि अगर इन्फेक्शन हो रखा है तो हम प्रेफर नहीं करते कि एक विजिट में कर दीजिए, ऐसे में सक्सेस होने के चांसेस कम होते हैं, इसलिए हम मल्टी विजिट की तरफ जाते हैं। लेकिन मल्टी विजिट तभी अच्छी है जब आपका केस इन्फेक्शन का हो, अदरवाइज सिंगल सेटिंग रूट कैनाल इज द बेस्ट वे। आज की वीडियो में इतना ही, और इसी तरह की और दांत से रिलेटेड जानकारी जानने के पाने के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए, सब्सक्राइब करें।